हेलो पाइथन प्रोग्रामर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने फ्रंट एंड डिजाइन कर लिया था। तो मैं अपने डिस्क पीसी में जाता हूँ जहाँ पर मेरी रिपोजिटरी रखी हुई है डॉक्यूमेंट में गिटअप फोल्डर के अंदर, जहाँ पर रखा हुआ है हमारा ईमेल सेंड बाय यूजिंग पाइथन GUI। ये मेरी गिट रिपोजिटरी है, इसमें मेरा ये प्रोजेक्ट जहाँ पर main.py ईमेल सेंड, ये दोनों पाइथन की फाइल हैं, दोनों इमेज रखी हुई है। मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विद कोड अपनी VS Code ID में इस प्रोजेक्ट को खोल लेता हूँ। यहाँ पर हमने फ्रंट एंड लास्ट वीडियो में देखा था कि फ्रंट एंड हमने इसका कंप्लीट डिजाइन कर लिया था और ये मेरा यहाँ पर प्रोजेक्ट खुल गया है ID में। अब मैं इसको रन करा देता हूँ कि हमने लास्ट वीडियो में कहाँ तक बना लिया था, जिससे कि ये क्लियर हो जाए। तो देखिए, ये वो प्रोजेक्ट है जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। इसमें जैसे मैं ईमेल कुछ भी एंटर करूँगा, सब्जेक्ट मैसेज सेंड करूँगा, तो अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी हमने इसका बैक एंड डिजाइन नहीं किया। तो इस वीडियो में हम बैक एंड डिजाइन करेंगे इसका। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एंट्री में हमें टेक्स्ट वेरिएबल से दो वेरिएबल वहाँ पे इनिशियलाइज करने होंगे दोनों एंट्री में। और जो टेक्स्ट है मैसेज वाला, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ वहाँ पर, ये जो है ये तो दो एंट्री है हमारी, सब्जेक्ट वाली और ईमेल वाली। और ये जो मैसेज में ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। तो इसको एक्सेस करने का तरीका, इसमें जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू इसको पाइथन वेरिएबल में असाइन करने का जो तरीका है वो अलग है। और ये जो दो एंट्री हैं, ये सब्जेक्ट वाली और ईमेल वाली, इन दो वैल्यूज़ जो हैं, एक एरी वैल्यू और एक ए, इन दो वैल्यू को पाइथन वेरिएबल में तरीका अलग है एक्सेस करने का, असाइन करने का, ठीक है। क्योंकि ये एंट्री हैं और ये टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करने का तरीका अलग है और एंट्री बॉक्स की वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करने का तरीका अलग है। तो क्या तरीका है हम दोनों ही देखेंगे। और हम पाइथन वेरिएबल में जब इनको असाइन करेंगे यही हमारा बैकएंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये देखते हैं अब। तो सबसे पहले एंट्री के लिए आपको पता होगा हम दो वेरिएबल बना लेते हैं। तो ईमेल वेर नाम से बना देते हैं, ये मैं वेरिएबल का नाम ले रहा हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट होगा स्ट्रिंग वेर क्लास का, तो ये एक ऑब्जेक्ट हुआ एक्चुअल में, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ ईमेल वेर, क्योंकि यहाँ पर आपको ये पता है स्ट्रिंग वेयर इस तरह से अगर मैंने लिखा तो स्ट्रिंग वेयर एक क्लास हुई और उस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ईमेल वेयर, ठीक है। ईमेल वेयर आप नाम कुछ भी रख सकते हो। ऐसे मैं सब्जेक्ट वेयर बना देता हूँ एक ऑब्जेक्ट, और ये भी स्ट्रिंग वेयर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, ईमेल वेयर और सब्जेक्ट वेयर, क्योंकि यहाँ पर हमारी ईमेल में और सब्जेक्ट में एंट्री है तो इनको हम इसके थ्रू एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर मैं दोनों में लिख देता हूँ टेक्स्ट वेयर, टेक्स्ट वेरिएबल है ना, ये हम लास्ट वीडियो कई वीडियो हैं जिनसे हम करते आ रहे हैं इस तरह से। टेक्स्ट वेरिएबल ये ईमेल का एंट्री है तो ईमेल वेर, और यहाँ पर भी टेक्स्ट वेरिएबल, ये सब्जेक्ट की एंट्री है तो टेक्स्ट वेरिएबल हो जाएगा ना सब्जेक्ट वेर, ठीक है। इस तरह से दोनों में हमने असाइन कर दी होगा कि यहाँ पर लिखने का मतलब है जब ये सब्जेक्ट वेर में ऑब्जेक्ट में आ पाएंगी वैल्यू, उनको रेफर करेगा वैल्यू को। तो ये बटन है सेंड का, यहाँ से हम एक फंक्शन कॉल करेंगे जिससे गेट ओपन कि हम चाहते हैं बटन पे के क्लिक होने पर वैल्यू असाइन हो। तो कमांड एक एट्रीब्यूट है, यहाँ पर मैं सेंड नाम के फंक्शन को कॉल करूँगा, इक्वल टू लगेगा। तो सेंड नाम का फंक्शन क्या है इसको हमें डिफाइन भी करना होगा, तो हम नहीं नीचे डिफाइन करेंगे, डिफाइन सेंड। और यहाँ पर ये जो ईमेल वेयर है इसमें जो भी वैल्यू इसको गेट कर लो, ये जिस भी एंट्री को रेफर कर रहा ईमेल वेयर ईमेल वाली एंट्री को रेफर करेगा तो इसमें से जो वैल्यू होगी उसको गेट कर लो, उसको ईमेल वेयर। देखिए मैंने नाम थोड़ा सिमिलर टाइप से लिया है, बस ई छोटा है और उसमें ई बड़ा, तो ईमेल वेयर वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। अब ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, नॉर्मली ऑब्जेक्ट होते ही हैं पाइथन में, लेकिन इसको रेफरेंस वेरिएबल भी आप बोल सकते हो। तो ईमेल वेयर एक रेफरेंस वेरिएबल है और ईमेल वेयर हमारा एक ऑब्जेक्ट है क्लास का स्ट्रिंग वेयर, तो उसमें ईमेल वेयर यानी इसमें वैल्यू असाइन हो जाएगी जो भी वैल्यू एंट्री में वहाँ यूजर ने टाइप करी होगी ईमेल की। और ऐसे ही सब्जेक्ट वेयर, इसमें सब्जेक्ट वेयर डॉट गेट, ठीक है, सब्जेक्ट वेयर डॉट गेट, दोनों की वैल्यू आ जाएगी। आई फिलहाल मैं इनको करवा के देखता हूँ, क्योंकि जो टेक्स्ट एरिया यानी जो मैसेज का जो टेक्स्ट है इसको गेट किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले मैं ये देख लेता हूँ इन दोनों की वैल्यू आ रही है या नहीं, ईमेल वेयर और सब्जेक्ट वेयर, ठीक है।
अगर ये प्रिंट हो रही है तो मतलब अभी तक जो हमने किया है वो सही है ना। तो मैं इसको रन और करा देता हूँ। यहाँ से मैंने F5 किया तो ये रन हो गया। मैंने ईमेल लिखा अपना GAGGARWL124@gmail.com, सब्जेक्ट हेलो पाइथन, सेंड किया मैंने। अब जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूँगा वहाँ पर वैल्यू आ जानी चाहिए दोनों। तो देखिए आ गई, मेरा ईमेल भी आ गया और ये हेलो पाइथन सब्जेक्ट भी आ गया। ठीक है, मैं जितनी बार करूँगा उतनी बार प्रिंट होगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे अपने चैनल का नाम पाइथन ही GG, ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि इसका हमने अभी बैकएंड नहीं बनाया। ठीक है, अब मैं इसको सेंड करता हूँ तो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इनमें मैं कुछ भी चेंज करूँ, जैसे मैंने हेलो कर दिया तो इनमें तो हो जाएगा, ये देखिए हेलो हो गया। लेकिन इससे अभी कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसका अभी हमने बैकएंड नहीं बनाया। तो अब हम ये देखते हैं इसका कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम टेक्स्ट एरिया जो है इसका हम बैकएंड डिजाइन करते हैं कि इसको क्या करेंगे। तो टेक्स्ट को लेने के लिए टेक्स्ट की वैल्यू को हम इसके रेफरेंस वेरिएबल से लेंगे। अब इस बात का क्या मतलब है, तो मैंने क्या किया इसको T1 में कर दिया साइन, और ये जो प्लेस है ना T1 डॉट कर दिया। तो देखिए बात वही है, हम ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा हम हर एट्रीब्यूट के साथ कर सकते हैं। तो देखिए सेम आ रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वैल्यू गेट करूंगा मैं T1 के थ्रू ही कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसका ये नोटेशन है कि किस तरह से वैल्यू सेंड होगी। तो मैं एक T1 डॉट गेट, बिल्कुल सेम लगेगा गेट फंक्शन। और हमें कहाँ से वैल्यू लेनी है, हमें पहले करेक्टर से वैल्यू लेनी है, तो एज ए स्ट्रिंग इसको देना होगा, और एंड तक वैल्यू लेनी है END। ठीक है, यानी एक से लेके आखिरी तक सारी वैल्यू ले लो। यानी बाय डिफॉल्ट में क्या होगा, जैसे मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। मैंने इसमें कोई मैसेज लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो 1.0 ये इसका ये करेक्टर है और एंड इसका ये करेक्टर। यानी बाय डिफॉल्ट आप ऐसा समझिए इसमें जो भी स्ट्रिंग लिखेगी, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली रन टाइम पर फर्स्ट करेक्टर यहाँ से उठाकर लास्ट करेक्टर ये F, ये पूरी स्ट्रिंग ले लेगा जो एक मैसेज के रूप में हमें मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से पूरी स्ट्रिंग गेट हो जाएगी। और इसको मैं मैसेज नाम के वेरिएबल में कर देता हूँ असाइन। ठीक है, बस इतना सा करना हमें। और MSG इसको प्रिंट करा के भी देख लेते कि ये काम कर रहा है कि नहीं। मैंने इसको सेव किया, अब मैं कराते हैं इसको रन। अब मैं जैसे कुछ वैल्यू लिखता हूँ, अभी ये 3 वैल्यू लिखी। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूँ तो देखिए वैल्यू प्रिंट हो रही है हमारी। ठीक है, ये तीनों वैल्यू हमारी प्रिंट हो रही हैं। तो इस तरह से हम प्रिंट करा सकते हैं वैल्यू को। तो आपने इस वीडियो में बैकएंड देखा कि किस तरह से हम डिजाइन करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी दूसरी फंक्शनैलिटी को देखेंगे, जिससे हम इस पूरे प्रोजेक्ट को ईमेल किस तरह सेंड होगा, हम इसको कर पाएँ अपने सॉफ्टवेयर में, इसको बना पाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।